everyone. Welcome to Education World. My name is Aditi Gupta and I am your Digital Literacy faculty member at Education World. Please like, share, comment and subscribe to Education World EW YouTube channel. So, जैसा कि हम सब जानते हैं, एजुकेशन वर्ल्ड ने आगे आके एक स्टेप लिया है जिसके तहत वो पंजाब कांस्टेबल एग्जाम की फ्री प्रिपरेशन करा रहे। तो चलिए डिजिटल लिटरेसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फंडा क्या होता है? किसी भी कंसेप्ट का प्रिंसिपल समझना कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक्स, छोटे छोटे कंसेप्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज समझ आनी चाहिए, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारे बाहर के बॉडी पार्ट्स अलग है, हमारे अंदर के ऑर्गेन्स अलग है। सो जो बाहर के बॉडी पार्ट्स है वो क्या है? हैंड्स, फेस, आईज, नोज, मुंह, माउथ, ओके। इन द सेम वे कंप्यूटर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक जो बाहरी पार्ट्स है और एक जो अंदर के पार्ट्स है। तो जो बाहरी पार्ट्स है उसे कहते हैं हार्डवेयर। जैसे हम कंप्यूटर जब देखते हैं, हमें जो जो चीजें नजर आती हैं वो क्या होती हैं? हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर पे हम माउस देखते हैं चलता हुआ, हम कीबोर्ड देखते हैं जिसपे हम टाइप करते हैं, हम सीपीयू देखते हैं। तो वो सारी चीजें जो हमें अपनी आंखों से नजर आ रही हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? हार्डवेयर। और कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो उसके अंदरूनी पार्ट्स है, जैसे हमारे इंसानों के अंदरूनी पार्ट्स क्या है? हमारा दिमाग, ब्रेन, हमारा हार्ट, अंदर लिवर, वेन्स जो नाड़ियां होती हैं, ये सारे हमारे अंदर ही पार्ट्स है। उसी तरह सॉफ्टवेयर के भी, कंप्यूटर के भी जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर है बाहरी पार्ट्स कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर क्या है? जो कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स जो हमें नजर आते हैं हमारी आंखों के सामने और जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर की वायर्स भी नजर आती हैं हमें, चिप्स, छोटी छोटी चिप्स जो होती हैं, डेटा जो हमारे पास सारा डेटा है, डेटा मतलब कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो हमें ना नजर आता है ना ही उसे हम टच कर सकते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर की सिस्टम होता है। सो सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है? प्रोग्राम्स होते हैं और वो प्रोग्राम्स का जो डेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम ना देख सके, जिसे ना हम टच कर सकते। जैसे अगर मेरे को कंप्यूटर का कुछ भी देखना है तो वो कंप्यूटर के पीछे कोडिंग हुई होती है, उसके लिए हम लोग कुछ पीछे से प्रोग्रामिंग करते हैं और उससे हमारे पास क्या मिलता है? प्रोग्राम्स और उसका डेटा। तो प्रोग्राम क्या होते हैं? जैसे अगर मैं आपको कहूं चलो उठो, चलो भागो, चलो बैठो, तो ये मैंने आपको सबको क्या दिया? इंस्ट्रक्शंस दी। मैंने आपको समझाया कि ये काम करना है और ये नहीं करना है। उसी तरह प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कि ये काम करो, फिर ये करो, फिर ये करो। जब आपने कंप्यूटर ऑन किया होगा, आपने देखा होगा पहले कुछ लिखा हुआ आता है, फिर स्टार्ट आता है, फिर वो बोलता है कि क्या ये आपको इस लेवल से ओपन करना है कि इधर से ओपन करना है। तो ये कंप्यूटर को सारा कुछ बताया जाता है, उसे ऑर्डर दिया जाता है कि आपने यही सारा काम करना है। सो प्रोग्राम क्या हुआ?
सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि एक लिस्ट बना दी कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. सो जैसे अगर चाय बनानी हो तो चाय बनाने के लिए पहले पानी डाला जाता है, फिर पत्ती डाली जाती है, दूध डाला जाता है. तो ये जो है ये स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. सिमिलर वे में प्रोग्राम भी क्या करता है, एक ऑर्डर बनाता है. पहला ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर कंप्यूटर ऑन होगा, फिर जो यूजर कहेगा, यूजर यानी कि हम जो कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो वो जो कहेगा फिर वो करना है. ये सारा हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम. नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर को हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए. जैसे हम इंसान हैं, हमें हाथ भी चाहिए, आंखें भी चाहिए, और अंदर से दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, नाड़ियां भी चाहिए. तो ये हमारे पास क्या है, हम दोनों के बिना ही नहीं रह सकते. अगर मेरे पास हाथ है बट मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा. अगर हमारे पास सब कुछ अंदर से ठीक चल रहा है बट बॉडी का कोई पार्ट काम ही नहीं कर रहा, जैसे कोमा में है, तो उसमें अंदर का सारा काम वर्क कर रहा है, अंदर के बॉडी के अंदर के सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं बट बाहर का कोई काम नहीं कर रहा, तो भी हमारा काम नहीं चलेगा. सिमिलर वे में उसी तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए, तभी कंप्यूटर चलेगा. अगर सॉफ्टवेयर चलाएंगे हार्डवेयर नहीं तो भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा, अगर सॉफ्टवेयर चलाए और हार्डवेयर ना चलाए तो भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा. तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बराबर में इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आगे चलते हैं. आगे है हमारे पास, कंप्यूटर ना हार्डवेयर के बिना रह सकता है ना सॉफ्टवेयर के बिना रह सकता है, तो दोनों ही इक्वली एक ही तरह बराबरी में इंपॉर्टेंट है. सो आगे पढ़ते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी. सबसे पहले पढ़ेंगे सीपीयू. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल का मतलब जिसने सबको एक तरफ सेंटर में कंट्रोल करके रखा हुआ है. प्रोसेसिंग का मतलब जो काम कराता है, और यूनिट का मतलब वो एक डिवाइस है. सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा काम क्या बना, वो काम जिसने कंप्यूटर को सारा का सारा कमांड्स बतानी है. कमांड्स का मतलब क्या है, अभी कमांड्स का मतलब है कि ऑर्डर देना है, जो सीपीयू कहेगा वही होगा. अगर सीपीयू ने बोला कि अभी पावर ऑफ करना है, तो कंप्यूटर जब पावर ऑफ करेगा तो सीपीयू अगर उसको इजाजत देगा तभी कंप्यूटर ऑफ होगा. तो सीपीयू का काम क्या है, जो जो चीजें हम बोल रहे हैं उसको देखना कि क्या ये हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो उसे कर देता है. सो चिप दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम कमांड्स. इसकी एग्जाम्पल क्या है, इंटेल का भी सीपीयू आता है, सन स्पार्क प्रोसेसर का भी सीपीयू आता है. अब सीपीयू को कनेक्ट करना पड़ेगा मेन मेमोरी से. मेन मेमोरी क्या है, मेमोरी हमें पता है, हमारे मेमोरी का मतलब क्या होता है, याददाश्त. जहां पे हमारा जो जो हमने याद किया होता है वो सारा सामान कहाँ स्टोर होता है, हमारे दिमाग में, याददाश्त की फॉर्म में. सो उसी तरह जो कंप्यूटर का ब्रेन है, जो सारा सामान जो जो उसके दिमाग में सारी चीजें हैं, जितना काम हमने किया है, वो कहाँ स्टोर होता है, उसके मेन मेमोरी में. सो ये एक स्टोरेज एरिया है जहां पे सारा कुछ हम स्टोर करते हैं. चलिए सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज पढ़ते हैं. सबसे पहली कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन की सारी एक्टिविटीज को संभालता है. जैसे कि अगर उसने बोला, कंप्यूटर ने बोला हमें कि हमने इस तरीके से ये कमांड को चलाना है, कि पहले स्टार्ट पे जाओ, स्टार्ट से फिर आपने प्रोग्राम्स पे जाना है, फिर आपने लेट अस सपोज पेंट को ओपन करना है, तो किसकी हेल्प से ये सारा कुछ होगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मशीन की सारी एक्टिविटीज को, जितना भी काम मशीन ने करना है, जो पीछे से मशीन लगी होती है उसने जितना काम करना है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अहम काम कौन सा है कि जैसे मैं कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रही हूँ और कंप्यूटर पे वो नजर आ रहा है, तो ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो इनपुट दी जा रही है कंप्यूटर को वो आउटपुट की फॉर्म में शो कर देता है। सो इट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस टू द कंप्यूटर। इंटरफेस का मतलब इनपुट से सारा सामान लिया और आउटपुट डिवाइस से सारा हमने दिखा दिया कंप्यूटर स्क्रीन पे कि ये वाला काम हम शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कंप्यूटर को। सो ये सारे रिसोर्सेज, अब जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, सीपीयू को कौन संभालता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने मेन मेमोरी भी किया, मेन मेमोरी को भी कौन संभालेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबके हेड होते, जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो सारे प्रोग्राम्स का हेड है, और सीपीयू और मेमोरी का मेन हेड कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को भी संभालना है और मेन मेमोरी को भी संभालना है जहां सारा काम पड़ा हुआ है। आगे इसकी एग्जांपल्स हमें पता है, विंडोज 98 जो सबसे पहले यूज होती थी, विंडोज एनटी, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं जिन्हें हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, एप्लीकेशन से हमें पता चल रहा है, जैसे व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं वो भी एक एप्लीकेशन है, हम गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पे वो भी एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इसको सारी चीजों समझाना कि अब ये करना है, अब ये करना है, फिर ये करना है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या हुए, वो प्रोग्राम्स जो एप्लीकेशन को बताते हैं कि ये करना है, फिर ये करना है, एंड देन आगे क्या करना है। जैसे हमारे पास लूडो है, लूडो में वो पहले पूछता है कि आपने वन प्लेयर खेलना है, टू प्लेयर खेलना है, कंप्यूटर के साथ खेलना है कि ऑनलाइन खेलना है। तो ये उनको स्टेप समझाए होते हैं, उनको बताया जाता है कि आपने ये चीजें पूछनी है, फिर ये आंसर आएगा कस्टमर से, तो फिर आपने आगे कैसे चलना है। सो वो कौन से होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल है, वर्ड प्रोसेसर की, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, जो मिसाइल्स होती हैं, जो नासा में मिसाइल्स बनती हैं, उनको भी क्या दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस कि अगर हम लोग ये कहेंगे तो मिसाइल ये करे, अगर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो मिसाइल फायर हो जाए। तो ये सारी क्या होती है, हमारे पास प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं। जैसे गेम्स, गेम्स भी हमारे पास सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं। सो जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, उन सब के पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब ये तो इतना टफ नाम है, इसका फंक्शन क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम होता है, जैसे सपोज करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, तो मेरे को हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, एक बीच में एक पर्सन रखेंगे जो मेरी भाषा को ट्रांसलेट करके आपको समझाएगा और आपकी भाषा को ट्रांसलेट करके मेरे को समझाएगा। तो वो काम किसका होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। कंप्यूटर को इस तरह ये भाषा समझ नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, मेरी भाषा को वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की भाषा में, फिर मुझे कंप्यूटर की भाषा समझ नहीं आएगी, फिर कंप्यूटर की भाषा को किसमें कन्वर्ट करेगा, मेरी भाषा में। सो यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सबका हेड है, सीपीयू का भी, मेन मेमोरी का भी। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो हमारी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि गेम्स, जैसे कि मिसाइल सिस्टम, जैसे कि रोबोटिक्स, रोबोट्स को जैसे किया जाता है प्रोग्राम, वो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। सो आगे चलते हैं एनालॉग वर्सेस डिजिटल। एनालॉग
एनालॉग क्या होता है? अगर मैं लगातार बोली जाऊं बोली जाऊं बोली जाऊं, कोई ब्रेक ही ना लूं बीच में, तो वो हमारे पास क्या हुआ? एनालॉग। अब अगर मैं बोलते बोलते बीच में थक रही हूं, तो पहले मैंने जैसे कुछ बोला, फिर मैंने ब्रेक ली, फिर मैंने थोड़ा बोला, फिर मैंने 5 मिनट्स की ब्रेक ली, 5 मिनट की ब्रेक ली, फिर मैं कुछ बोल रही हूँ, फिर 5 मिनट की ब्रेक ले रही हूँ, तो वो क्या है हमारे पास? डिजिटल डेटा। तो जो सीधा चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, वो हमारे पास होता है एनालॉग। और जो थोड़ा रेस्ट करता है, फिर चलता है, फिर रेस्ट करता है, फिर चलता है, वो क्या होता है? डिजिटल। सो दो तरीके होते हैं डेटा को स्टोर करने के। पहला एनालॉग डेटा। एनालॉग क्या होता है? कंटिन्यूअस, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बिल्कुल ब्रेक नहीं लेनी बीच में। और जैसे म्यूजिक सिस्टम लगा दूं, गाने के बाद गाना, तो वो चलता जाएगा जब तक उसे मैं पॉज नहीं करूंगी, जब तक मैं उसे रोकूंगी नहीं। तो ये किसकी एग्जांपल है? एनालॉग डेटा की। सिमिलरली डिजिटल डेटा क्या होता है? वो जिसे मैं टुकड़ों में चलाऊं, पहले थोड़ा चला फिर गैप, फिर थोड़ा चला फिर गैप, फिर थोड़ा चला फिर गैप। सो इसमें अगर सपोज करो मैंने एक डिस्क में, एक ड्राइव में जो सीडी आती है, सीडी में कुछ गाने भरे, और वो इस तरह भरे कि एक टाइम पे एक ही गाना बज सकता है, और वो गाना भी रुक रुक के चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा, तो वो क्या है हमारे पास? डिजिटल डेटा। सो हमें समझ आ रहा है एनालॉग डेटा क्या होता है, जिसे वो कंटिन्यूसली भागी जाएगा। डिजिटल डेटा क्या होता है? जो रुक रुक के चलेगा। सो आज हम यहाँ तक ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो धन्यवाद, बाकी का हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।